बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? और आज का मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। सुबह सुबह के टाइम मैं आ चुका हूँ अपने बाहर, और अम्मी जान ने यहाँ से भिंडियाँ की चुनाई कर ली थी। तो मेरी ये भिंडियाँ बनी हुई, इन्हें जाके मैंने देना है आड़त पे, जो छोटी सी एक आड़त होती है, फड़िए बैठे होते हैं रोड पे, वहाँ पे जाके देना है। और इससे पहले मैं 3 दफ़ा भिंडियाँ अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बेच चुका हूँ, और मैं इससे कमा चुका हूँ 2000 से 2500 रुपया कमा चुका हूँ ईज़िली। और आज का मौसम चेक कर तुम, इतना खूबसूरत और लेवल का मौसम बना हुआ है। ये सूरज कभी निकल जाता है, कभी इसके आगे मतलब कि वो आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, लेकिन ये है कि खूबसूरत बहुत बना हुआ है मेरी तरह। क्योंकि आज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मी, बिकॉज मैंने अपने आज कपड़े चेंज किए हैं, अपनी लुक चेंज की है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हल्का फ़ील कर रहा हूँ। तो अभी चाहता हूँ अपनी भिंडियाँ देते हैं, दर्जी से कपड़े उठाने हैं, और कुछ आपको सेक्सी मैक्सी से सीन चेक कराने हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं यहाँ से। ओए होए, A few minutes later. फाइनली दोस्तों, अब मैं जहाँ आया खड़ा हूँ ना, वो सीन बड़ा ही लेवल का है। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है, और आई होप कि आपको भी ये सीन पसंद आएगा। और भिंडियाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे दी थी। भिंडियों वाले में ना यार, ये है कि इस इलाके में थोड़ा सा मसला है कि वो थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, वीडियो को देख कर सोचने लग जाते हैं हमारी वीडियो किस लिए बना रहा है, किसको दिखाएगा, और शायद कोई एलिगेशन लगेगी हम पे। तो इस वजह से ना मैं वहाँ पे ब्लॉग कर रहा था, लेकिन उसको ऐड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो जहाँ पे मैं आया खड़ा हूँ, ये लोथरा की छाड़ नहर का यहाँ पे सेपरेशन है, मतलब अलग होती है यहाँ से। कुछ दरिया में जाके गिरती है, दरिया सतलुज में कुछ एक दो रूट्स ऐसे हैं जहाँ से जो कनाल है, नहर है, ये टूटती है। और मेरे लफ्ज़ भी इससे ज़्यादा कहीं टूट रहे हैं। तो ये चेक करो यार, जहाँ पे मैं आया खड़ा हूँ ना, यहाँ से ये टूट, वहाँ से आ रही है मेन। मैं आगे चला जाता हूँ थोड़ा सा, इस तरफ को मूव कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, तो ये आ रही है यहाँ से मेन, ये छाड़ नहर है लोथरा की। तो यहाँ से ये सेपरेट हो के एक यहाँ से जाती है इस तरफ को, ये इसका फट्टा वगैरह जो है ये ऊपर उठाया हुआ है, और यहाँ से ये चली जाती है। ये भी दरिया सतलुज में ही गिरती है जाके, और उसका एक पाथ वहाँ से भी गुजरता है, तो वो भी जो है दरिया सतलुज में जाके गिरती है। और यहाँ से ये इसका मेन रूट है, ये इलाके को सैराब करती है, काफ़ी सारे इलाके को। इससे आगे शोरकोट है, तो ये वहाँ तक यानी कि सैराब करती है पानी इसका जाता है। और ये पता नहीं डक किस लिए बनाया हुआ है, आई थिंक कुछ काम होगा इसे भी, जिस तरह होता है नीचे उतरते होंगे। और ये बड़ा लेवल का और ख़ूबसूरत सीन है, चार पाइयाँ डाली हुई हैं, इतने ज़्यादा दरख्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही प्यार भरा यहाँ पे यानी कि एक सेटअप किया हुआ है। पिछले साल हम यहीं पे अपनी भिंडियाँ दिया करते थे, आके भिंडियों के खेत हुआ करते थे हमारे। इस साल तो हमने रकबा भी छोड़ दिया, और गंदम के रेट की वजह से तो अब दिल ही नहीं करता कि बंदा आगे काश्तकारी करे। और होल्ड किया हुआ है मैंने मोबाइल को बिल्कुल ही सख्त, क्योंकि मैं जिस जगह बजा रहा हूँ खुदा ना खास्ता। अच्छा यार, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। इतना अभी मुझे सपोज अगर यहाँ पे कोई ले आया नहाने के लिए, तो मैं कभी नहीं नहाऊँगा इस पानी में, तो खासकर नहाऊँगा ही नहीं। ये देखो ना, आप चेक करो, अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता मैं गुजरा तो मैं बचूँगा। और मेरे फूफा जी ने यहाँ पर शर्त लगा के वो कूद पड़े थे, और जब तक वहाँ से निकले तो उनका सर फट गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दिल तो कर रहा है यार नहा लूँ, लेकिन इस पानी में मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं नहा पाऊँ। ये पानी बहुत ही मतलब कि मुझे डरावना लगता है। अब मैं अक्सर सोचता रहता हूँ खुदा ना खास्ता इसमें कुछ चीज़ हुई ऐसी कि अगर हो सकता है कुछ मगरमच्छ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़, तो बहुत डर लगता है इस वजह से। Thank you.
अच्छा यार, मैं आया हूँ एक पॉइंट पे, यहाँ से ना ये दरिया सतलुज को निकासू निकल रहा है, तो ये मैंने सोचा ये आपको विजिट कराता चलूँ। तो यहाँ से ये पानी कितनी स्पीड में जा रहा है, अगर खुदा ना खासा इसमें कोई आ जाता है तो उसका तो बचना मुश्किल ही है। चेक करो, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है पानी का, और ये अभी हाफ से भी नीचे रखे हुए हैं ये जो। वाह, इतना खूबसूरत परिंदा यार, अगर तुमको नज़र आ रहा हो इसका कलर चेक करो, इतना प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है ये बंद किया हुआ है फटा, तो उस तरफ का फटा एक खुला हुआ है ताकि वो दरिया में पानी जो इजाफी जाता है वो दरिया में चला जाए। बोर्ड गया अभी परिंदा, इसके ऊपर चलते हैं वहाँ से कुछ लुक देखते हैं। चेक करो ये, अब मैं ऊपर आया हुआ हूँ, और ये वाले पता नहीं किस तरह के अंग्रेज़ का बनाया होगा सेटअप होगा, यहाँ पे कीज़ लगती होंगी जिससे इसको रोटेट करके खोला जाता होगा। अब ये फुल बंद है और इसकी कीज़ स्पेशल नहर के वो जो पहरेदार होते हैं उसके पास होगी। यहाँ पानी का प्रेशर इस तरफ कम है, आगे की तरफ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी का खिंचाव है। और बड़ी ब्यूटीफुल ये किनारा चेक करो यार, इस पर आस पास खूबसूरत और लेवल की लगी हुई है बहुत। ज़रा मैं ऊँचा खड़ा हूँ तो इस वजह से ये बड़ा ब्यूटीफुल मुझे फील हो रहा है। गिरी ना जाऊँ यार, ये चेक करो, ओए ओए ओए, बड़ी औखी जगह पे आया खड़ा हूँ यार मैं, इतना ऊंचा, और मेरा मोबाइल मैंने ज़ोर से पकड़ा हुआ है, अगर गिरा तो मेरा 40,000 डूबा, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि पीछे ही रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो निकलता हूँ यार यहाँ से, बहुत लेट हो चुका, अभी गालियाँ पड़ेंगी यार घर से। चेक तो करो यार, ब्यूटीफुल है, मेरा घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा, जी करता यहीं पे बस लगा रहा हूँ। और इधर उधर के लोग मुझे घूर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे जो है ना ब्लॉगिंग थोड़ा मसला पेश करती है यार, मुझे बड़ा शहर होता तो वहाँ पे आसान होता। चलें कोई नहीं यार, करनी तो है ना, ओए होए आपके लिए कंटेंट तो लाना है ना। अच्छा 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 जी दोस्तों, सब काम वहाँ के हो चुके हैं, मैंने दर्दी जी अपने कपड़े भी उठा लिए हैं, सारे के सारे सूट उसने मुझे दे दिए और शुक्र है बगैर पैसों के दे दिए, लेकिन वो बंदा अच्छा है, बहुत ही लॉयल बंदा है, परफेक्ट बंदा है, जिसे बंदा कहते हैं, ऐसा दर्जी मैंने नहीं देखा जो बचा हुआ कपड़ा भी देता है, ईमानदार है यार, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसको अच्छा रिज्क दे, और बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए, आप भी दुआ करें। मैं आ चुका हूँ अपने मामू जी के इस घास में, और यहाँ से घास थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ अपने रेबीज़ के लिए, रेबीज़ मेरे सुबह से भूखे पड़े होंगे, जाके उनको घास डालते हैं। और अब्बू जी की भी कॉल आई थी कि मुझे चाचू के घर जाना है, तो जहाँ से जल्दी जल्दी से घास लेके चलते हैं उधर को।